अरे तो समर्पण की गर्लफ्रेंड है ना। कहा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आ चुका हूँ अपने घर और नहा धोवा के फ्रेश व्रेश भी हो गया हूँ। अब घर में है पूजा, वाली पूजा नहीं, घर में पूजा, तो अभी पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद कल घूमने जाएंगे, क्योंकि आज नहीं, आज मौसम भी साफ नहीं है और कल भी तेज आ रहा है, और मेरे दोस्त उसके साथ में घूमेंगे। तो पूजा खत्म हो गया है, फल खाने जाएंगे और नाश्ता करेंगे थोड़ा सा। तो अपना गांव आ चुका हूँ, तो थोड़ा चलो खेत भी देख लेता हूँ अपना। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपना खेत, और खेत में बहुत सारा ये रहता है ना, क्या बोलते, कीड़ा मकोड़ा या फिर सांप निकलने डर रहता है, वो डंडा लेके जा रहा हूँ। और ये आसपास की हरियाली, मतलब देख के दिल गार्डन गार्डन रहता है। नहीं, कहीं भी जाओ घर आने के बाद जो मज़ा है ना, क्या बताऊँ। तो अभी हम नदी पार कर रहे हैं, लगता है नदी पूरा गहरा है, देख लो गंगा नदी टाइप का नदी है। तो है गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अपना मतलब खेत का दृश्य में, वो हिंदी में, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, वहाँ तक देख रहे हो, वहाँ तक कुछ नहीं है, ये मेरा है, ठीक है। उधर उंगली दिखाने से फायदा तो है नहीं, तो बता दे रहा हूँ ये मेरा है, थोड़ा थोड़ा धान उगा है यहाँ पर, बहुत कम इस पर। ये कुआँ है, यहीं से जो पानी होता है, देख लेता हूँ। ओ भाई, पानी ऊपर आ गया है, कमाल हो गया। तो पानी ऊपर आ चुका है, यहीं से पूरा पड़ाते थे पानी को, पूरा दूर तो जाता था यहीं से, बस लाइन ही नहीं रहता था, लाइन रहता तब ना। और हाँ, यहाँ का जो धान है थोड़ा लेट से हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन सब साथ ही में हुआ था। और एक आगे धान का मतलब है खेत, वहाँ पर हो चुका है धान, लगभग हो चुका है, एक महीना में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जितने सब हरा भरा देख रहे हो, एक ना महीना बाद ना धीरे धीरे सब कटने वटने लगेगा, बोझा वोझा होने लगेगा, जो भी जो आग का प्रोसेस है वो सब हो जाएगा और खाली हो जाएगा, फिर प्रक्रिया शुरू होगा गेहूँ का। वो देख रहे हो, कताई का है, मेरा नहीं है। जा रहे हैं, एक आम का पेड़ पापा मेरे लिए और मेरे भाई के लिए लगाए हैं, वो बोले कि उसके बाद देख के आओ कि कितना बड़ा हुआ, तो जा रहा हूँ उसको देख के आने के लिए। आएंगा नहीं, मतलब उधर से ही एक रास्ता है, उधर से ही घर निकल जाएंगे। यार नदी में पानी तो पूरा ठेवना तक आ गया, मेरा तो पैन भींच गया था, हमको लगा कि थोड़ा सा पानी होगा, ज़्यादा पानी निकला। अरे तो समर्पण की गर्लफ्रेंड है ना। कहा भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते करो, कैसी हैं? अरे समर्पण शादी कर भी हाँ ना बोलो ही कर भी शादी? अरे रे मारे दौड़ो हो, बम को ही तो ये सूरजवा के है, एक मिनट, ये तो खुद सूरजे है, सॉरी। तो खेत भी देख लिया और अपना आम भी देख लिया जो मुझे दिखाने, उसके बाद आगे भड़कते घूम रहे हैं। ये जो स्कूल देख रहे हो, यहाँ पर ही मेरा भाई पढ़ता है, आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर उधर मैं जा नहीं सकता, तो और उधर हम लोग का महुआ का पेड़ है, ये आम का, वो पहाड़ है और वहाँ एक पोखर है, और वहाँ
वहाँ पर एक बार मतलब अभी ये क्या बोलते हैं बजरंगबली का मूर्ति निकला है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सबको हैप्पी दशहरा, और जैसा कि हर दशहरा में पूजा होता है हम लोग भी होता है। तो अभी बकरा कटाने जा रहे हैं, मतलब खांसी कटाने जा रहा है, तो रस्सी लेके जा रहे हैं बकरा बांधने के लिए। तैयार भर होकर भी हम और मेरा भाई जा रहे हैं मेला देखने, क्या अमृत? हाँ। पूरा मस्त दिख रहे हम लोग का, पूरा सब गिर जाएगा लड़की लोग वहाँ पर का देख के। अभी जा रहे पहले नानी घर, नानी से मिल के उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे। क्या घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा खाली बाइक पे हैं तो जितना हो सके घूमेंगे, टाइमिंग पे फिर घर पे आना है। रितेश से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो लेट हो गया है, तो उसका आने में लेट होगा, तो सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। तब रितेश को लेके आ चुके हैं। अब रितेश जा रहे अपना घर और हम जा रहे हैं अपना घर, हम और मेरा भाई। तो गुरु भाई हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा, दसवीं है आज, ठीक है, फाइनल डे, बढ़िया से बीते सबका। हाँ। अच्छे से घूमिएगा, स्टे सेफ। चलो ठीक है।